गुजराती में नहीं, हिंदी में। मित्रों, अपने बीच गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी हैं। मेरा सादर आग्रह है माननीय रूपानी जी से कि आपको संबोधित करें। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैंने विषय रखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद बहुत सारे जो राजा महाराजाओं के जो स्टेट थे उनको समझाकर बातचीत करते हुए ये पूरा भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते और ये न किया होता तो आज भारत का मानचित्र कुछ अलग ही होता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का निर्माण किया, इसलिए उन्होंने भारत की एकता अखंडता बनाई। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उन्होंने 2013 में घोषणा की थी, संकल्प किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनेगा। आज मुझे बहुत खुशी है और मैंने पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरे देश को निमंत्रित किया है कि 31 अक्टूबर 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू प्रतिमा, एक बड़ी विरल प्रतिभा की बड़ी प्रतिमा, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों से होगा और वर्ल्ड क्लास व्यवस्था के साथ ये बनाया है। जब घोषणा की थी तब विरोधियों ने बताया था कि ये सब बातें हैं, लेकिन ये साकार हुआ है। मोदी जी का विजन, मोदी जी का परिश्रम और मोदी जी के मार्गदर्शन से ये भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू ये लगभग बन गया है और 31 अक्टूबर को हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दुनिया के सामने आज तक रखा नहीं गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने साइड में ही रखा था और नेहरू जी के आगे रखा था, सरदार को साइड में रखा था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र भाई ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दुनिया के सामने एक अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना होगा, 182 मीटर। तो सरदार साहब को दुनिया के सामने ऐसा प्रस्तुत किया है और एकता का प्रतीक। आज देश में बहुत सारे लोग देश को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता को भी तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, समाज को भी तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसके सामने एकता का प्रतीक पूरा खड़ा हो रहा है और पूरे देश के लिए एक गौरव की बात बनेगी। और सरदार को याद करते हुए फिर से भारत की एकता अखंडता, भारत के 125 करोड़ की जनता एक है, इस एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आज गुजरात सबसे दुनिया में सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरे देश के लोगों को, जिन लोगों ने लोहा दिया था,
मिट्टी दिया था, पानी दिया था, ये सब इस स्टैच्यू में लगाया है। और ये स्टैच्यू सिर्फ प्रतिमा नहीं लेकिन भारत की एकता भावना और अखंडता का प्रतीक ऐसे सरदार को आज दुनिया के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और दुनिया में सरदार साहब अमर होंगे। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इस स्टैच्यू के माध्यम से दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो अभी हिसाब किताब तो अभी होगा लेकिन पूरा अभी करीब 150 टन से ज्यादा टन स्टैच्यू में लुहा लोहा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हट जाने दीजिए, रुक जाइए रुक जाइए। यहीं से कर दें इसको, हट जाए, छोड़ दीजिए सर, अलग से हो गया, हो गया सर, हो गया। अलग कर दो ना, ये नाइट लोग गुजराती और हमारा रुझान बोल रहा तू, आप बोलो सर। सर ये जी का ये उठा लीजिए, ये भी ले लीजिए, जी का ले लेते हैं, वो लाइट चल रहा है, वो वाला लाइट चला दो, ये छोड़ दूँ, ये वाला नीचे रख दीजिए। अजय भाई, भाई साहब, गुजराती गुजराती में, गुजराती में बाकी बंद कर लो जिनको गुजराती हो रही है। आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सौथी ऊंची प्रतिमा सरदार सरोवर खाते लगभग काम पूरु थवा आयु छे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सौथी मोटी प्रतिमा एनु लोकार्पण वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी ना सुबस्ते थसे। 2013 मा वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी ए जरे एनी घोषणा करी थी कि दुनिया नु सौथी मोटू स्टेच्यू बनावीशु त्यारे विरोधीओ कहता था कि आ मात्र वातु छे, परंतु नरेन्द्र भाई आ वस्तु ने साकार करी छे। सरदार वल्लभ भाई पटेले आजादी पछी राजा महाराजा रजवाड़ाओ ने एक करीने ભારતની અખંડિતતાને નિર્માણ કરી છે। સરદાર ન હોત તો ભારતનું માનચિત્ર કદાચ જુદું હોત। અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કુણેથી આખા ભારતને એક બનાવીને આજે ભારત આજે વિશ્વના નકશા ઉપર સ્થાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કમનસીબે કોંગ્રેસે વર્ષો સુધી હાસ્યામાં રાખ્યા, નેહરુજીની જ વાવા થઈ। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને દુનિયાની સામે સૌથી મોટી પ્રતિમા બનાવીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સરદાર સાહેબને સમગ્ર દુનિયામાં પ્રસ્તુત કર્યા છે। અને સરદાર પટેલની પ્રતિમા એ ખાલી પ્રતિમા નહીં પરંતુ એકતાનું પ્રતીક, આજે દેશને છિન્નભિન્ન કરવા ઘણા લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, દેશની એકતાને તોડવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, સમાજને એક વિઘટિત કરવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, ત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એ સમગ્ર એકતાના પ્રતીક તરીકે આ પ્રતિમા ખાલી નહીં પણ એક ભારતની એકતાની ભાવના આમાં જોડાયેલી છે। અને આજે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીમાં મેં સમગ્ર ભારતના બધા આગેવાનોને કીધું છે કે તમે જે રીતે લોખંડ આપ્યું હતું, પાણી આપ્યું હતું, માટી આપી હતી, આ બધી ભાવના આખી એ પ્રતિમામાં ઊભી છે। તો મારું વિશેષ આમંત્રણ છે કે લોકો મોટી સંખ્યામાં સરદાર સાહેબના દર્શન કરવા ગુજરાત પધારે, એ પ્રકારનું મેં આમંત્રણ આપ્યું છે। ભાજપ શાસિત પ્રદેશના તમામ મુખ્યમંત્રીઓ આવશે 31 ઓક્ટોબરે? આમંત્રણ બધા મુખ્યમંત્રીના પાસે, બધા પ્રદેશોને અપાશે, બધા આગેવાનોને અપાશે, પછી અમે આગ્રહ કરીને બધાને બોલાવીશું। બહુ બહુ ધન્યવાદ।